वर्ल्ड कप 2023 का 9वां मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अफगानिस्तान की तरफ से रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान ने पारी का आगाज किया। इब्राहिम जादरान को जसप्रीत बुमराह ने 22 रन के निजी स्कोर पर केएल राहुल के हाथों आउट कराकर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया। अफगानिस्तान की तरफ से कप्तान हसमतुल्लाह सईदी और अजमतुल्लाह उमरजई ने अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों ने अपना अपना अर्ज तक पूरा किया। हसमतुल्लाह सईदी 80 और उमरजई 62 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इन दोनों की बल्लेबाजी के दम पर अफगानिस्तान की टीम निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 272 रन का स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4 और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। भारत को इस मैच को जीतने के लिए 273 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में रोहित शर्मा और ईशान किशन ने शानदार शुरुआत किया। दोनों ने 112 गेंद पर 156 रन की ओपनिंग साझेदारी कर भारत को जीत की तरफ अग्रसर कर दिया। रोहित शर्मा मात्र 84 गेंद पर 131 रन की धुआंधार पारी खेलकर राशिद खान की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटे। वहीं ईशान किशन आज तक से चूक गए और 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यहां से भारत को जीत के लिए मात्र 68 रन की जरूरत थी, जिसे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने मिलकर पूरा किया। विराट कोहली 55 रन बनाकर नाबाद रहे तो श्रेयस अय्यर 25 रन बनाकर अंत तक नॉट आउट रहे। भारत इस मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर वर्ल्ड कप 2023 में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर लिया है। अब भारत का अगला मुकाबला 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा।